औरंगाबाद में एक बड़े फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। फर्जीवाड़े का ये खेल फर्जी प्रमाण पत्रों से जुड़ा है। सदर तहसील में बेखौफ बेधड़क धड़ल्ले से आए जाति और मूल निवास के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फर्जी प्रमाण पत्रों का ये खेल पहले से न चल रहा है। सालों से चल रहे इस खेल पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने ऑनलाइन प्रक्रिया और डिजिटल सिग्नेचर की शुरुआत की थी, लेकिन घोटालेबाजों, दलालों और रिश्वतखोरों ने इस ऑनलाइन प्रक्रिया में भी सेंध लगा दी है। फर्जी प्रमाण पत्रों पर रिपोर्ट लगाने के खेल में कुछ खास लेखपालों का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि अपने इलाके के अलावा ये लेखपाल दूसरे लेखपाल के इलाकों में भी रिपोर्ट लगा देते हैं। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो है लेखपाल महेश्वर सिंह का। लेखपाल महेश्वर सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो लेखपाल महेश्वर सिंह करा सकते हैं। आप बातों में कितना दम है कह नहीं सकते। वहीं तहसील में आए जाति मूल निवास प्रमाण पत्रों के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े के मामले में अब जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देश पर एसडीएम सदर ने मामले में रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में फर्जी प्रमाण पत्रों को निरस्त करने के साथ ही मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। एक प्रकरण संज्ञान में आया था कि जो है लेखपाल के आईडी से जो है कुछ प्रमाण पत्र जारी हुए जो कि प्रतिबंधित जातियां हैं, जैसे कुछ लोगों को खटिक जात प्रमाण पत्र जारी हो गए थे, तो उसके संबंध में जांच कराई गई, रिपोर्ट ली गई है। और जो जिला स्तरीय कमेटी है जिसके द्वारा जो है इस तरह के जो प्रमाण पत्र जारी किए हैं उनके निरस्तीकरण की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को भेज दी गई है। और जो इसमें दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई प्रपोज कर दी गई है। और इसमें जो है जो संबंधित लेखपाल जो प्रथम दृष्टिया दोषी प्रतीत हो रहे हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और सस्पेंशन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इनका लेखपाल का क्या नाम है और ये कितने दिनों से लगभग इन गांवों का पूरा लगा रहते हैं? इसमें कई लेखपाल हैं, एक ही लेखपाल नहीं है। और इसमें तहसीलदार जो है करीब 2 या 3 तहसीलदार के समय से कुछ प्रमाण पत्र जारी हुआ है। और इनकी जो है और भी इसमें गंभीरता से जाँच की जा रही है, कमेटी द्वारा भी जाँच की जाएगी। प्रपोजल इसलिए बनाया गया जिलाधिकारी महोदय को, और भी जो कर्मचारी जो इसमें दोषी बाद में जो पाए जाएंगे।